समृद्धि न्यूज चैनल, मैं हूं विष्णुदेव उपाध्याय। आज हमारे साथ ऐसे अनुभवी आदमी हैं जो राजनीति में बहुत पहले से ही कार्यरत हैं, ये भी कह सकते हैं कि छात्र जीवन से, और वहां से उठ करके यहां तक का सफर तय करना बहुत बड़ी बात होती है, और वो किसी भी पर्चे के मोहताज नहीं हैं। वे भाजपा किसान मोर्चा से अभी भी जुड़े हुए हैं, और आगे जो बीजेपी उनको देने वाली है या जिसकी वो आशा लगा रखे हैं, उसके लिए भी वो कार्य आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे, प्रोफेसर बलराम मिश्रा जी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि राजनीति की यात्रा अभी तक ये कैसे लेकर आए यहाँ तक, और आगे इनकी क्या योजना है या किस किस कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। अभी समृद्धि न्यूज चैनल के तमाम दर्शक और प्रशासनिक लोग भी आपको देख रहे हैं, तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये राजनीतिक यात्रा शुरू हुई तो कहाँ से शुरू हुई? चलिए माइक वहाँ पर रखते हैं। हम लोग एक साधारण परिवार से शुरू हुआ, 16 वर्ष की अवस्था में 74 का आंदोलन जयप्रकाश जी का शुरू हुआ। उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हम लोगों ने हिस्सा लिया। उस वक्त के जो शासन थे उसके खिलाफ, और संघर्ष से के ही चलते जेल भी जाना छात्र जीवन, और छात्र जीवन में छात्रों के बीच में स्टूडेंट यूनियन के बीच चुनाव लड़ने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। 2 बार स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी हम विक्रम इंजीनियरिंग महाविद्यालय के निर्वाचित थे, मगध यूनिवर्सिटी के सीनेट के भी सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। जी, आप जैसे अभी छात्रों के बीच में चुनाव लड़े, इसके अलावा आप कहीं विधान परिषद से भी चुनाव नहीं? 1995 में विधानसभा हमने इंडिपेंडेंट काराकाट विधानसभा से चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनता ने हमें चुनाव लड़ाया था। हमारे पास उस समय साधन भी नहीं था, मैं साधन के रूप बाहुबली भी नहीं थे, एक समान कार्यकर्ता के हैसियत से जो सेवा भाव था उस सेवा भाव से प्रभावित होकर वहाँ की जनता ने हमें खड़ा किया, और काफ़ी संख्या में जनता ने हमें सहयोग दिया। जो उस समय 95 के चुनाव में हमारा 3रा पोजीशन था इंडिपेंडेंट। तो आप सीढ़ी बाई सीढ़ी बढ़ते गए, पहले छात्रों के बीच में आए, फिर आप विधानसभा में आए, आप लोकसभा का भी चुनाव में साथ में भी वो चुनाव हमको विक्रमगंज लोकसभा से लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। जी, और अभी आप भाजपा किसान मोर्चा से जुड़े? अभी राष्ट्रीय भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। यही भाजपा की ओर से हमें दायित्व मिला है कि किसानों के बीच में समृद्धि और भाजपा सरकार की जो किसानों के संदर्भ में नीति है उसके गांव गवई में पहुँचा कर के कल्याणों में जागृत करके उनके अधिकार को सुरक्षित करें और सरकार के नीति को कार्यान्वित कराने में सहायक करें। तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने दिन से जुड़े हुए, इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और उनको इतना अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं, अगर आने वाले चुनाव 2019 में जो चुनाव होने वाला है उसमें अगर बक्सर लोकसभा से उम्मीदवारी के लिए वो आपका नाम प्रस्तावित करते हैं तो आप क्या चाहेंगे? कोई भी लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल इसी के लिए बनता है कि 5 वर्षों में जब चुनाव आता है तो पार्टी देश के 543 पार्लियामेंट में अपना उम्मीदवार घोषित करती है, चुनाव लड़ती है, तब संसदीय चुनाव में सरकार बना कोई भी राजनीतिक। तो यदि भाजपा के राज्य के नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व यदि हमें उम्मीदवार बक्सर संसदीय क्षेत्र से
बनाने का काम पार्टी करती है। तो मैं एक कार्यकर्ता के हैसियत से जनता के बीच में पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़ने के लिए हम तैयार हैं और जनता के बीच में जाने के लिए काम करेंगे। कहने का मतलब है कि आप इस पार्टी को 2019 में जितवाने के लिए पूरे धन तन मन धन से लगेंगे? चूँकि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वह श्रम शक्ति से हो, धन से हो, बल हो, तन मन धन, तीनों उसमें समाहित होता है। अब तीनों का प्रयोग चूँकि हम लोगों ने बाल अवस्था से ही जन आंदोलन के माध्यम से जनता को जगाने का काम किया है, इसी क्रम में जनता ने भी हमको 2-3 चुनाव लड़ाने का अवसर दिया है और सम्मानजनक हमें वोट भी देने का काम किया। तो आज हम राष्ट्रीय राजनीति में और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह जी यदि हमें उम्मीदवार घोषित करें बनाने का काम करेंगे तो निश्चित है कि हम उनके निर्देशों का अनुपालन करूंगा, तन मन धन से जनता के बीच आऊंगा।